हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कोड प्ले चैनल। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल के अलग अलग फंक्शंस के बारे में, जैसा कि ये चैप्टर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास चेक करना है कि कौन कौन सी टेबल है। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करके हम पहले इसको क्लोज करते हैं। इस डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटाबेस है, इसमें मैंने अलग अलग टेबल्स क्रिएट करके रखे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉई, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम आज बताएंगे कि सेलेक्ट स्टेट क्रिएट करते समय क्या क्या बातों का ध्यान देना है हमें। ठीक है, हम की और कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली एस्ट्रिक करता क्या है, एस्ट्रिक जो है आपके सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता है अगर आप एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। बट हमें एस्ट्रिक नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज ऑफ ये सारे कॉलमों को सर्च करना है। हम यहाँ पे सीधा नाम दे सकते हैं कॉलम का नाम, ऐसे जिस जिस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है हम उस कॉलम का नाम दे देंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, कॉम पिन कोड। हमें ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए, जहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट उसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिकली सिंपल प्रैक्टिस होती है सेलेक्ट स्टेटमेंट की, जिनमें हमें बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। चलो अब बात करते हैं, हम यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। बेसिकली डिस्टिंक्ट तो इस अगर एम्प्लॉय आईडी भी आप लगा के यूज करेंगे डिस्टिंक्ट, तो क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल कर देगा ये? डिस्टिंक्ट मीन्स जो जिसमें वैल्यू सेम हो। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट करके कितनी वैल्यू डिस्टिंक्ट दिया, 1, 2, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी थी ये मल्टीपल्स टाइम्स थी। देखो अगर आप डिस्टिंक्ट हटा देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 2 2 2 मल्टीपल टाइम्स है, और कुछ वैल्यू जैसे ये वैल्यू आपका सेम है, ठीक है, और आपका ये वैल्यू सेम है, ठीक है, इसलिए 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो जब भी आप चाहते हैं यूनिक रिकॉर्ड सर्च करना तो आप डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी और बात, अगर आप यूज कर रहे हैं एम्प्लॉई या कोई भी टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद में नो लॉक लगाना आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, नो नॉक बेसिकली करता क्या है, देखो जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, इंसर्ट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। तो जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं अगर नो लॉक यूज नहीं करेंगे तो अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, क्वेरी चलेगा, इसमें वेट करेगा, ठीक है, क्यू में रहेगा बेसिकली। तो करना क्या है कि जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं तो हमें नो लॉक लगाना चाहिए, क्योंकि ये अलग जो अदर क्वेरी होती है अपडेट, डिलीट, इंसर्ट की, उसको स्टक ना करे। ठीक है, ये फ्री टू हो जाती, बट ये हर जगह नहीं यूज किया जाता नो लॉक। जैसे कि आपको अपडेटेड रिकॉर्ड चाहिए ना, अगर जैसे किसी का बैलेंस है, आपको अपडेटेड बैलेंस चाहिए, जब आप नो लॉक लगा देते हैं तो ये इसका एक सेट बन जाता है, ठीक है, और उससे वो डेटा फेच करता है। तो अगर उसके बाद कोई अपडेट हो रहा है वो बैलेंस, तो आपको लेटेस्ट रिकॉर्ड निकाल कर नहीं देगा। इसलिए बातों का ध्यान रखना कि कहाँ पे नो लॉक यूज करना है, कहाँ नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में। हमारा डिस्टिंक्ट हो गया, अब हम चलते हैं वेयर क्लॉज में। हम वेयर क्लॉज किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वेयर क्लॉज यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पर यूज करते हैं वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू विपिन, ठीक है। अब इस नेम के भी आप पे, केवल इस नेम के भी आप पे जितने भी रिकॉर्ड होंगे सिलेक्ट करते गए, ठीक है, एक रिकॉर्ड है इस नेम के भी आप पे। अगर आपको एम्प्लॉय आईडी के नेम पे भी आप पे एम्प्लॉय आईडी भी आप पे चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, 1, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए 1, ठीक। तो यहाँ पे 1 पहला रिकॉर्ड आ गया। तो ये तरीका है वेयर क्लॉज यूज़ करने का,
कि आप किस कॉलम के बिहाफ पे डेटा चाहिए आपको, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है वेयर क्लॉज यूज़ करने का, तो जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। जैसे मैं बता दूं, ये इक्वल ऑपरेटर है यूज होता है, ठीक है। जैसे आप ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हो कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आए ग्रेटर देन वन, ठीक। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, एक कॉपी करते जाएं ताकि आपको ये चीज़ें मिल सके क्वेरी, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। चलो यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन वन। अब अगर ग्रेटर देन वन करेंगे और यहाँ पे आप, तो जो भी वन रिकॉर्ड एम्प्लॉय है, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट यूज किया है हमने और यहाँ ग्रेटर देन वन, तो जो भी यूनिक रिकॉर्ड निकालने के बाद और एम्प्लॉय आईडी जो आपका वन से मैक्स रहेगा उसको निकाल देगा, ठीक है। ऐसे ही लेस देन है, अब चाहते हो कोई टू से लेस देन निकाल के दे, सॉरी ये ग्रेटर देन है हो गया। और अगर आपको थोड़ा सा जूम करना है तो मैं जूम कर देता हूँ इसको, इसको हम इधर कर देते हैं, और ठीक है इसको वीडियो में थोड़ा जूम कर देंगे। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे लगा दिया लेस देन वन। देखो कोई रिकॉर्ड आएगा, नहीं आ रहा है। लेस देन टू, यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, ये देखो रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ हो सकता। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जो दो ना हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से नॉट का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से देखो। ये एक तब भी रिकॉर्ड दिया, तो इसमें अभी तो मैंने एक लगाया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड जिसकी आईडी दो ना हो, बाकी चाहे जो रिकॉर्ड हो सब आ जाए, अगर आपके यहाँ मल्टीपल एंट्रीज हो, कि जैसे वन ना हो बाकी सारे रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से यूज कर लीजिए। देखो सारे रिकॉर्ड आ गए, ठीक। तो ये आप नॉट यूज कर सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पे इसको लेस देन यूज कर लो, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया। अब हमारा ये हो गया ना, लेस देन हो गया। अब हमारा ग्रेटर देन और इक्वल, जैसे हम चाहते हैं कि वन से ग्रेटर देन हो और इक्वल हो, तो सारे रिकॉर्ड आ जाएं। आप देखो यहाँ पे आपके सारे रिकॉर्ड आ गए, अगर डिस्टिंक्ट यूज नहीं करते तो और रिकॉर्ड आते, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए और सारे रिकॉर्ड आ गए ना। तो ये एक तरीका है ऑपरेटर्स यूज करने का एसक्यूएल में, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑपरेटर्स का दिमाग लगाना है यहाँ पे। जैसे लेस देन इक्वल की बात करें, तो आप लेस देन इक्वल की बात करेंगे तो इस तरीके से लगेगा, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी लगा है तो वन है तो रिकॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू वन, तो वन के बराबर है और लेस देन, तो एक ही रिकॉर्ड था कोट के चलाया। नॉट का आपको बता चुका हूँ, अब बिटवीन बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे बता दिए कि एम्प्लॉय आईडी है, फिर यहाँ पे बिटवीन कैसे यूज करते हैं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी बिटवीन, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी बिटवीन वन एंड टू। अब देखो इनके बीच में जो भी रिकॉर्ड होगा सब आ जाएगा, इतने सारे रिकॉर्ड आ गए ना। तो ये तरीका है बिटवीन यूज करने का। अब आप बात करते हैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं ऐसे। लाइक कॉलम का नाम, एम्प्लॉय नेम सपोज, ठीक, सॉरी लाइक पहले लगा दिया, एम्प्लॉय नेम लाइक, और यहाँ पे परसेंटेज देते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम लाइक ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज बेसिकली होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे जैसे कोई नाम है, ठीक है, उस नाम में कोई ऐसा कैरेक्टर जो आता हो, ठीक
ठीक है, तो वो परसेंटेज के अंदर डालेंगे। जैसे मैंने, मेरा नाम है विपिन, मैं यहाँ पे डालता हूँ VIP डालता हूँ, और यहाँ पे देखो सारे रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पांडे डाल दूंगा, क्योंकि मेरे नाम के बीच में जो भी पांडे आएगा यहाँ पे, ठीक, सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए, देख रहे हैं ना आप, तो वन को छोड़ के, क्योंकि उसमें नाम में जो है ना पांडे है। तो लाइक ऑपरेटर इस तरीके से यूज करते हैं। अगर ये परसेंटेज हटा दें, ठीक है, सपोज देखो अब क्या होता है, क्योंकि इस तरीके से भी लाइक ऑपरेटर यूज होता है, नहीं आएगा ना। क्योंकि ये लाइक ऑपरेटर क्या करेगा कि पहले नाम के पहले इतना देखेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप परसेंटेज की बात करें, इस तरह इधर से लगाया जाए तो पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये नाम जो है आपका, परसेंटेज जिस तरफ से लगाओगे उस तरह उतने वहाँ से रिकॉर्ड उठाए कि चेक करेगा कि पूरे कॉलम में क्या क्या वैल्यू है और क्या मीट कर रहा है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद का वैल्यू था इसलिए परसेंटेज इधर से काम किया। तो ये तरीका है बेसिकली लगाने का, लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, इन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल में। इन ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है कि जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 100 है, 1 से लेके 100 तक है, और हम चाहते हैं कि हमें आ जाए 1 से लेके 10 तक आ जाए एम्प्लॉय आईडी। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, राइट। एम्प्लॉय आईडी ये किसी भी कॉलम पे यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल एम्प्लॉय आईडी के, लेकिन ये न्यूमेरिक है तो थोड़ा सा ही है। अब जैसे 1 और 2, ठीक है, एम्प्लॉय इन, आप जब एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू लगाते हैं तो सिंगल वैल्यू के लिए लगाते हैं, लेकिन जब इन लगाते हैं तो इन में मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं, और वो मल्टीपल वैल्यू जो भी उस डेटाबेस में रहेगा सेलेक्ट होकर आ जाए। तो इनमें सारा मेरा 1 से लेके 2 तक जितने एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड है सारा उठा के दे दिया ना। तो ये इन ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको और ही बताऊंगा इसमें, जैसे कि एंड ऑपरेटर है, ठीक है, और ऑपरेटर है, वो सब कैसे काम करता है। जैसे मैं चाहता हूँ एक ऐसा रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 रहे एंड उसका एम्प्लॉय नेम इक्वल टू केवल विपिन रहे। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी विपिन, ठीक। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, एंड एम्प्लॉय नेम है, सॉरी, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू विपिन। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, एक रिकॉर्ड आ रहा है इस हिसाब से। ठीक है, अब बात करेंगे कि और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो और ऑपरेटर इसमें यूज होगा, या तो एम्प्लॉय आईडी 1 रहे या तो उसके कॉलम की वैल्यू और, ठीक है, तो आ जाए तो भी वही रिकॉर्ड आएगा। ठीक, लेकिन एंड में दोनों वैल्यू को मीट करना मैंडेटरी होता है, और इसमें मैंडेटरी एक ही वैल्यू मैंडेटरी होती है, या तो ये वैल्यू मैच करे या तो ये वैल्यू मैच करे, और एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यू मैच करेगी तभी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक तरीका है यहाँ पे कि कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट काम करता है। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें वैल्यू हम और मल्टीपल भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम ला दी एम्प्लॉय आईडी 1 एंड एंड हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी का नाम, एम्प्लॉय नेम का नाम विपिन हो और एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस साकेत हो, या तो देखो आईडी 1 होनी चाहिए बट उसके एड्रेस साकेत या नाम विपिन होना चाहिए। तो देखो ये कैसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है सेलेक्ट करने का, इसमें आ गया। ठीक है, क्योंकि एड्रेस तो मैच नहीं किया लेकिन नाम जो है उसका नाम मैच किया। ठीक, आप चाहते हैं कि आप ऐसा रिकॉर्ड चाहते हैं कि जैसे ये कोई रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ, अब नॉट का यूज करके बताता हूँ नॉट कैसे यूज करते हैं। जैसे आप एम्प्लॉय आईडी नॉट यहाँ पे दे सकते हैं कि वेयर नॉट एम्प्लॉय आईडी 1, ठीक,
अब देखो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जा। इसमें जितने सारे रिकॉर्ड थे दे दिए एक को छोड़ के, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं नॉट के भी यहाँ पे, कैसे नॉट काम करता है। अब अगर आपको ऑर्डर बाई लगाना है तो ऑर्डर बाई के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं ऑर्डर बाई के साथ में, जैसे मैं लगा रहा हूँ वेयर कंडीशन एम्प्लॉय आई डी, ये एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू टू ऑर्डर बाई वन डी ई एस सी। इसमें क्या होगा, वन मतलब यहाँ पे होता है जो आपका फर्स्ट कॉलम होता है उसके भी यहाँ पे ऑर्डरिंग करता है, डी ई सी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कॉलम के भी यहाँ पे, तो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये, तो इसके यहाँ पे ऑर्डर वाइज डिसेंडिंग कर दिया मेरा। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो आप देखो उसके भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। देखो ये उल्टा आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय आईडी के भी यहाँ पे लग गए वन, अगर यहाँ टू पास कर देंगे तो उसके भी यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ गया ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ठीक है। ऐसे आप थ्री लगा सकते हैं, फोर लगा सकते हैं, जितने कॉलम हो उस कॉलम के भी यहाँ पे ऑर्डर बाई लगा सकते हैं। इवन आप नेम भी दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ डिसेंडिंग में असेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों चलता है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर वाइज लगा सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है बेसिकली एक सेलेक्ट स्टेटमेंट का, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट्स में अगर आपको कुछ क्वेश्चन एसक्यूएल से रिलेटेड पूछना है तो बताइए। आज सेलेक्ट स्टेटमेंट बताते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम और इसके डेप्थ में जाएंगे और अच्छी चीज़ें बताएंगे और अच्छे से क्वेरी यूज करना बताएंगे कि बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन भी बताएंगे और भी आपका जो फंक्शंस हैं कैसे काम करते हैं, ठीक है, कैसे सब क्वेरी लिखते हैं, जिस सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को शेयर करना न भूलिए। Thank you so much.